अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। और मेरी सहरी की शुरुआत हो रही है आटा गूंदने से रोटी तक की, क्योंकि आज मैं सहरी में रोटी बनाऊंगी और साथ ही मैं कबाब भी बनाऊंगी। और गाइस, जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक के नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले वो जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। सो गाइज़, आज जैसे कि अब मैं सुबह की सहरी में बना रही हूँ रोटी, और रोटी के साथ मैं गर्मा गर्म बनाऊँगी कबाब, क्योंकि रोटी खाली अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा मैं क्या कर दूँ, रोटी के साथ आप ऑमलेट भी बना सकते हो, बहुत से ऑप्शन होते हैं। बट क्या है ना, मैंने फ्रिज में ऑलरेडी कबाब बना के रखे हुए थे, तो मैंने कहा वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अब रोटी के बाद हम डायरेक्ट ना कबाब ही डाल देंगे, और वो सही ऑप्शन रहेगा। तो अभी तो मेरी रोटी बिल रही थी, और आटा जो था वो मेरा काफ़ी फ्रेश आटा है और बहुत अच्छा आटा है गाइस। ये आटा जो मैंने गूंद के रखा है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ये काफ़ी अच्छे से रोटी बिल जाती है। तो मैं तो ये आटा कहूँगी ही कहूँगी, और इसकी रोटी भी मैंने खाई है, काफ़ी मज़े की रहती है। तो मैंने उठा करके सबसे पहले बेला, और बेलने के बाद मैंने और साथ ही मैंने शेक का भी इंतज़ाम कर लिया था। मैंने पहले से उठकर सबसे पहली जो तैयारी की थी वो शेक को पीसने की थी मिक्सी में। तो मैंने कहा चलो भाई, शेक को पहले मैं बना लेती हूँ, और इधर ये मेरी रोटियाँ भी माशाल्लाह से अब रेडी हो चुक रही थी। तो फिर अब बारी आ रही थी कबाब की, तो गर्मा गर्म सुनहरे कबाब भी काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे गाइस। और मैं तो खाती नहीं, इसलिए मैंने अपने लिए ये सादा सा सिंपल अंडा डाल दिया था प्लेन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर भी मैं खा लेती हूँ। और फिर गाइस, इसके बाद जब हम बाहर निकले तो मैंने ऐसा देखा कि देख सकते हैं ये इंजीनियर जो है मेन काम करने वाले बेचारे किस जगह पर बैठे हैं। कभी कभी वक्त ना इंसान के साथ लाइफ में कब कहाँ तक कैसे कर सकता है। खैर, देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वो तो बैठने वाले को पता होगा कि कैसा लग रहा था। और अब हम बढ़ रहे थे आगे की ओर, क्योंकि जो हम लोग सामान लाए थे तो उसमें कम पड़ गया था सामान, हम लोग को और भी चाहिए था, इसलिए हम लोग फाइनली मॉल पहुंच गए थे। और इतनी गर्मी में गाइस, जब हम मॉल के अंदर इंटर करते ना, सच में बड़ा मज़ा आता है। और नीचे बहुत सारी शॉप है, पर नीचे मुझे काम नहीं था, हमको काम था ऊपर के साइड पे। नीचे तो मैं ऐसे ही शॉप देख रही थी कि वो कहाँ गई, क्योंकि कभी कभी हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। सो अब हमारी लोग की बारी थी आगे बढ़ने की, तो मैं आगे जा रही थी, और जाते जाते मैंने कहा ये जगह जो है वो तो मैंने कभी देखी नहीं दिन में, आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ डे टाइम। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा क्या लगता है। तो फर्स्ट टाइम आने के बाद भी गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मॉल में। बट सच बता रही हूँ, वैसे तो देखा जाए तो जो रियल मज़ा होता है मॉल का वो नाइट टाइम पर ही आता है। फिर गाइस, हम फाइनली पहुँच गए शोरूम, और शोरूम के अंदर का व्यू आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत खूबसूरत कुर्ता है, सारी चीज़ों का कंट्रास्ट है। ये वाइट कलर का शॉर्ट टॉप था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, और ये 400 की रेंज में पूरा सूट था जिसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप देख सकते हैं कि कपड़े किस किस तरह के डिज़ाइन में और कलरफुल कौन कौन से आए हैं। फिर गाइज, अब हम फाइनली घर पहुँच गए थे, तो घर पे जाके मैंने सबसे पहले ये दाल की रेडी की, मुझे बहुत पसंद है। और साथ ही सिस्टर मेरी ये बना रही थी मटर पुलाव, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, और मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन इसके भी की थी। और बाकी कचालू भी रेडी कर लिया था, चटपटा कचालू, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, मुँह में पानी आ रहा होगा। और फिर फाइनली पहुँच गए हम रेलवे स्टेशन। सो गाइस, एक बात तो फाइनली है, आप स्टेशन चाहे एक घंटा भी क्यों ना पहले आओ, लेकिन सच में जब आपकी ट्रेन खड़ी रहती है तो आप फौरन का फौरन भागते हो, ट्रेन पकड़ते हो। वैसे ऐसे कितने लोग करते हो ये ज़रूर बताना। और मैं बैठकर अब कर रही थी डिनर, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो मैंने ये पुलाव टेस्ट किया जो कि काफ़ी अच्छा बनाया था सिस्टर ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर ये रास्ते का व्यू है, कहाँ कहाँ है आई डोंट नो, मैं नहीं जान पा रही हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और रात के वक्त का जो ट्रेन का मज़ा है गाइस, वो अलग ही है, और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। फिर गाइस, धीरे धीरे करते करते हम यहाँ पर स्टेशन पहुँच रहे थे, तो वहाँ से अब आगे की तरफ भी जा रहे थे, क्योंकि अब हमारी ट्रेन जो थी वो रुक चुकी थी और आप चल रही थी आगे की तरफ। तो रास्ते में तो पता नहीं चल रहा था हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं,
क्योंकि इतना क्लियर नहीं दिखाई देता है और अंधेरा भी था, ज़्यादा दिन का टाइम नहीं था इसलिए मुझे क्लियर पता भी नहीं चल रहा पा रहा था। खैर मैं तो बस लेटी थी कि उससे मतलब नहीं है मुझे, मुझे बस घर जाना है। तो फाइनली मैं घर पहुंच गई और मैंने कूली किया और कूली बेचारा ये वेट ले कर के चलता हुआ। खैर अफसोस तो होता है लेकिन कोई बात नहीं, उनका भी काम है और मेरा भी काम है उनको देना। जब तक हम उन्हें देंगे नहीं वो कैसे अपना काम करेंगे। तो भैया जी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, वो आप देख सकते हैं, दो दो लगेज के साथ ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी उन्होंने कैसे किया वो तो मैं इस चीज़ के लिए उनकी दाद दूंगी। माशाल्लाह ये काम बहुत बहुत मेहनत वाला है, हर काम की इंसान को इज्जत करना चाहिए क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और इस काम को वाकई में हर कोई नहीं कर पाता है। तो मैं आगे बढ़ रही थी, आप लोगों ने देखा ही होगा बंदर वगैरह, तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैं बड़ी बच बच के जा रही थी आगे, बहुत संभल संभल के जा रही थी। एक तरफ ये ट्रेन जा रही थी, दूसरी तरफ मुझे पीछे से डर लग रहा था कि कहीं बंदर तो नीचे ना आ रहा हो। खैर गाइस ऐसा कोई भी डर नहीं था कि मेरे पीछे आएगा, वो बस ऊपर की तरफ बैठा हुआ था, नीचे ना आता। और मैं बस अब पहुँच नहीं थी, बाहर निकल गई रास्ते में और घर पहुँचने ही वाली थी, तो काफ़ी एक्साइटेड भी थी और खुशी भी थी। और ये जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी कुछ बनने की और बहुत सारी ख्वाहिश उम्मीद के साथ थी, पर अफसोस मेरी लाइफ में वैसा पल नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी मैंने अभी तक की अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं हारी है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप लोग की दुआ रही तो एक ना एक दिन मैं ज़रूर से ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी। खैर गाइस घर पहुँची, फिर जब सो के उठी तो अफ्तार का टाइम हो गया था। अफ्तार जो थी वो मेरी खाला आंटी जो भी हैं काम करती हैं घर पे आकर के, वो उन्होंने पूरा का पूरा देख सकते हैं कितने अच्छे सजा दिया था। और ये मेरा बहुत फेवरेट पुलाव है बिरयानी, जो कि मैं कई साल बाद आज खाने आ रही हूँ। तो गाइस अब सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और ये जो मून है माशाल्लाह मेरा बहुत फेवरेट है। अगेन से शुरू हुआ है टाइम गाइस। फिर गाइस इन्हें देखिए, ये म्याओ म्याओ यहाँ बैठी हैं और किस तरीके से अंगड़ाई ले रही हैं। वाह वाह भाई वाह वाह, इन्हीं की चंगी है रोजे में, जिधर चाहे उधर जाए, जिधर चाहे जो खाए जो पिए। खैर अब मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलूँगी। तब तक के दुआओं में याद रखिएगा और सबको इस पर रमज़ान मुबारक हो।